तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले इम्प्रॉपर एक्सेस ओसीमेट्री की। तो इम्प्रॉपर एक्सेस ओसीमेट्री जो है, एक्सेस ओसीमेट्री या प्रॉपर एक्सेस ओसीमेट्री से डिफरेंट है। असल में यहाँ पर जो दो टू ऑपरेशन का ये कॉम्बिनेशन रहती है, एक तो बच्चों रहती है ये एक्सेस ओसीमेट्री प्लस फॉलोड बाई परपेंडिकुलर प्लेन ओसीमेट्री। तो वहाँ यहाँ पर जो इंडिविजुअल, मतलब यहाँ पर दो ऑपरेशन करके जो फर्स्ट वाले जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बीच के जो दो ऑपरेशन है उनके कॉम्बिनेशन से आता है। बात जब हम नोट्स में अपने जाएंगे और वहाँ पर बात समझ में आएगी, क्योंकि सिमेट्री का मेन मीनिंग जो है बच्चों समरूप, मतलब पहले के जैसा रूप उसका होना चाहिए, कहने के लिए उसके जैसी उसकी सिमेट्री होनी चाहिए। जो इम्प्रॉपर एक्सेस और सिमेट्री है बच्चों, इसको ऐसे हम डिनोट करेंगे। और हम देखेंगे कि पहला ऑपरेशन हमने क्या किया, मान लिया उसको मूवमेंट किया, एक्सेस रोटेशन किया, तो जो बीच एक स्ट्रक्चर आएगी उसमें क्या करेंगे, फिर प्लेन डालेंगे। तो मतलब यहाँ पर दो ऑपरेशंस करते हैं, और जो फाइनल स्ट्रक्चर आएगी टू ऑपरेशन के बाद जो स्ट्रक्चर आएगी और जो पहली स्ट्रक्चर थी जहाँ से हम चले थे वो उसके सिमिलर होगी, उसकी इक्विवेलेंट होगी। इसलिए ये सिमेट्री ऑपरेशन जो है दो दो ऑपरेशन का कम्बिनेशन है, ठीक है ना। हम यहाँ पर देखेंगे, नोट्स में देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। तो हम चलते हैं बच्चों नोट्स में, वहाँ पर बात अच्छे से समझ में आएगी। चलो बच्चों, बच्चों यहाँ पर पढ़ेंगे हम इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बच्चों इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री दो का कॉम्बिनेशन होती है। मतलब एक तो प्लेन डाला जाता है बच्चों, जैसे कि जेड एक्सेस के अलोंग प्लेन डाला है, तो परपेंडिकुलर, मतलब जेड एक्सेस के अलोंग हमने क्या किया, इसको रोटेट किया है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, उसके परपेंडिकुलर प्लेन, जेड एक्सेस के अलोंग रोटेट किया तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन क्या होगा, एक्स वाई प्लेन होगा। इस पॉइंट को नोट करो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ, प्लेन में एक्स वाई लिखा हुआ है, जेड इसका मतलब जिस एक्सिस के अलोंग आप इसको रोटेट करो, जो फर्दर जो हमें ऑपरेशन करना है वो प्लेन डालना है, वो भी कैसा, परपेंडिकुलर प्लेन डालना है जिस एक्सिस के अलोंग रोटेट किया था। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी, डेफिनेशन भी देखते हैं बच्चों। एन इम्प्रॉपर रोटेशन कंसिस्ट, इम्प्रॉपर रोटेशन कंसिस्ट ऑफ रोटेशन ऑफ मोलिक्यूल, मोलिक्यूल का रोटेशन थ्रू ए सर्टेन एंगल, कुछ पर्टिकुलर एंगल रहेगा, अराउंड एन एक्सिस, फॉलोड बाई, दूसरा काम क्या है, फॉलोड बाई रिफ्लेक्शन इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, जिस एक्सिस के अलोंग हमने रोटेट किया था उसके परपेंडिकुलर हमें प्लेन डालना है। तो दो का कॉम्बिनेशन ये रहता है, इसीलिए यहाँ पर एस एन को मैंने क्या लिखा हुआ है बच्चों, एस एन का फॉर्मूला सी एन जेड, ठीक है। एक बार तो ये ऑपरेशन है फर्स्ट ऑपरेशन, सेकेंड क्या डालना है बच्चों, परपेंडिकुलर उसके प्लेन डालना है। और यहाँ पर एक चीज और, ये और, या फिर हम इसको पहले प्लेन डाल दें और फिर उसके बाद रोटेशन करें, कोई यहाँ पर डिफरेंस इस चीज़ से नहीं आने वाला है कि पहला फर्स्ट कौन सा और सेकेंड कौन सा है। तो यहाँ पर ये जो सिमेट्री आती है दो के कॉम्बिनेशन से आती है, ठीक है। तो इसको बच्चों एग्जांपल से बहुत अच्छी बात समझ में आई। हम एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों मीथेन का। मीथेन में इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या रहती है बच्चों, एस फोर रहती है। तो एस फोर को हम क्या कहेंगे, पहले इसमें क्या डालें, सी फोर करें जेड एक्सिस, कोई एक्सिस के अलोंग, और फिर क्या डालेंगे बच्चों, उसमें प्लेन डालेंगे, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों ये क्या लिया है हमने, इसको ध्यान, मीथेन जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसको इस तरह से रखा हुआ। अभी मैं वीडियो में अभी दिखाऊंगा आप लोगों को ये भी किस तरह का, पहले पर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो इसको बच्चों। ये सपोज इस एक्सेस पर एक कार हाइड्रोजन यहाँ पर है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर, मैंने कह दिया कि जेड एक्सेस पर है, तो ये बच्चों को कहाँ पर चलेगा, दूसरे एक्स वाई एक्सेस पर चलेगा। अगर ये एस एन एंड जेड एक्सेस है तो एक्स वाई प्लेन में ये हो गए, ठीक है। तो ये इस तरह से, तो ये इस तरह, तो जो इसको बच्चों अगर हम क्या कर रहे हैं, सी फोर कर रहे हैं, सी फोर का मतलब क्या हो गया बच्चों, 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। तो ये जो जेड एक्सेस पे थे तो ये किधर हो जाएंगे, जैसे कि ये थे एक्स वाई थे, उसके 90 डिग्री हमने इसको रोटेट कर दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, इस तरह से जेड एक्सेस पे ये आ जाएगा। और ये कहाँ चलेगा बच्चों, एक्स वाई पर इस तरह से चलेगा ये। अब फिर क्या करें, तो हमने एक ऑपरेशन तो कर दिया, सी फोर कर दिया, हमने क्या डाला, सी फोर मतलब कैसे किया था, इसके अलोंग किया था, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन ही हमने डाला है। तो ये वाली चीज़ दोनों एटम किधर चले जाएंगे, इधर, और ये एटम क्या आ जाएंगे, इधर आ गए। तो ये एटम जो बच्चों इस तरह से थे जेड एक्सिस पर, अब ये थे तो ये कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए, और ये दोनों प्लेन कहाँ चले गए, यहाँ चले गए। अब ये वाला जो फाइनल स्ट्रक्चर आया, ये इसके इक्विवेलेंट आया, इसके सिमिलर आया, ये समरूप आया, लेकिन समरूप आया कैसे, दो ऑपरेशन करने के बाद, सी फोर करने के बाद और उसके परपेंडिकुलर प्लेन डालने के बाद ही। तो ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, इसके सिमिलर है, इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्री ऑपरेशन रहा, सिमेट्री ऑपरेशन रहा, लेकिन सिमेट्री ऑपरेशन
जो रहा कोई अकेला ऑपरेशन नहीं रहा, हमने दो ऑपरेशंस किए थे इसमें, पहले C4 किया था और फिर क्या डाला था, उसके परपेंडिकुलर प्लेन डाला था, दो का कॉम्बिनेशन था ये, तब जा करके इसके सिमिलर मिला है। और अगर आप इसमें ये वाला जो ऑपरेशन था ये सिमेट्रिक ऑपरेशन नहीं था, क्योंकि C4 यहाँ पर सिमेट्रिक ऑपरेशन नहीं है, ये वाला और ये इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि आप देखोगे इसमें मूवमेंट अलग से दिखाई दे रहा है, ये इसके 90 डिग्री हो गया है, ठीक है। तो और इसको और इसको कहेंगे तो ये भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है, ठीक है, इनके एंगल का डिफरेंस आ गया, लेकिन ये वाली फर्स्ट वाली और थर्ड वाली इक्विवेलेंट है, मतलब यहाँ पर सिमेट्री ऑपरेशन जो है दो के कॉम्बिनेशन का है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बोलते हैं, जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं बच्चों, इसको एस से डिनोट किया जाता है, इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। और इसको किससे डिनोट किया जाता है बच्चों, एस से डिनोट किया जाता है, एस एन, ठीक है। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा मॉडल में जा करके समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से बात समझ में और आएगी। तो किस किस तरह से रोटेशन कर रहे हैं बच्चों, इसको मैं इसी तरह से रोटेट करूँगा और फिर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो बात समझ में आएगी। तो हम जाते हैं बच्चों वीडियो में, पहले यहाँ पर वीडियो। तो बच्चों इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, ये मीथेन का मॉलिक्यूल है जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से पकड़ लिया, इसको इस प्लेन में ले लिया, दो दो हाइड्रोजन्स को इस प्लेन में ले लिया और टू हाइड्रोजन्स को बच्चों यहाँ पर प्लेन में ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्सेस, ये एक्सेस जा रहे हैं जो मेरी फिंगर है या जो पेन है, ये क्या दिखा रहा है बच्चों एक्सेस, इसको मैंने C4 किया, C4 का मतलब 90 डिग्री रोटेट किया, 90 डिग्री रोटेट करूँगा तो ये वाले जो एटम्स है बच्चों, इसको देखोगे ध्यान से तो ये इस तरह से इस पर चले जाएंगे, इस प्लेन में चले जाएंगे, और जो ये दो एटम्स है जो यहाँ है वो कैसे जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये यहाँ पर रोटेट हो गए, ठीक है। तो ये जो ऐसे थे यहाँ पर ये आ गए और ये यहाँ पर इस तरह से चला गया, लेकिन पहले का जैसा नहीं है, क्योंकि पहले दो एटम्स जो थे बच्चों ऐसे खड़े हुए थे, अब ये कहाँ चले गए, इस प्लेन में चले गए। अब इस एक्सिस के अलोन रोटेट किया था, अब क्या कर रहे हैं, इसके एक्सिस के अलोन प्लेन डाल रहे हैं। जब प्लेन डालेंगे ये वाले दो का रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा, और इन दो का रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, और ये पहली वाली के सिमिलर स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि इसके अंदर इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, मतलब दो ऑपरेशन करने के बाद सिमिलर स्ट्रक्चर मिल रही है। फिर से एक बार बच्चों जा करके बुक में देखो कि किस तरह से ये हमने किया है, बात आएगी, ठीक है। तो बच्चों फिर से यहाँ आ गए, फिर से मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री समझने के हिसाब से। जब आपने यहाँ पर मॉडल से इसको बच्चों समझ लिया है, मैं यहाँ पर फर्दर देखो बच्चों, यहाँ पहला C4 में क्या गया, C4 यहाँ पर पहली बात तो इससे यहाँ पर गए तो ये कोई सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि ये वाली जो स्ट्रक्चर आई है पहली वाली के डिफरेंट है। पहली वाली में तो एटम्स बच्चों के इस तरह से खड़े हुए हैं, यहाँ और यहाँ हैं ये इस साइड वाले, और ये वाले दो कहाँ हैं बच्चों, यहाँ और यहाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ गए तो इसको 90 डिग्री रोटेट किया है, मतलब इस तरह से गया है ये, तो ये आइटम इस तरह से चलेगा और ये आइटम इस तरह। फिर क्या डाला है बच्चों, प्लेन डाला है, इसमें प्लेन डाला है तो ये वाले जो दो एटम्स हैं इस तरह के तो कहाँ चले गए, ये यहाँ पर आए हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ये वाले दो रिफ्लेक्शन कहाँ आ गए, यहाँ आ गया। ये वाले दो जो हैं ये कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। अब ये वाला स्ट्रक्चर इसके सिमिलर है, पहले वाले के सिमिलर है, इसलिए ये ऑपरेशन क्या हो रहा है, सिमेट्रिक ऑपरेशन हो रहा है। कैसे हुआ ये, दो के कॉम्बिनेशन से, पहले क्या किया था C4 और फिर क्या डाला था प्लेन। तो मीथेन में क्या जाती है बच्चों, इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री उसके अंदर जाती है, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री अगर क्या हो, दो के कॉम्बिनेशन में अगर वो क्या रहे बच्चों, फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है वो पहले के सिमिलर हो जाए। और प्लेन भी कैसे डालना होता है बच्चों, जो एक्सेस जैसे ये एक्सेस थी इसके परपेंडिकुलर ये प्लेन है, एक्सेस जैसे थी तो ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है। एक और एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो बात समझ में आएगी, लेकिन इन प्रॉपर में आपको समझ में आ गया, दो के कॉम्बिनेशन से सिमेट्री ऑपरेशन बन रहा है। दो के कॉम्बिनेशन से क्या, पहला कॉम्बिनेशन बच्चों CN, उसके परपेंडिकुलर प्लेन, बच्चों ने यही चीज़ यहाँ पर थ्योरी के फॉर्म में बताई गई है जो हमने यहाँ पर बात की है। तो हमने एलिन का बच्चों एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, सिमिलर एलिन में क्या किया है बच्चों, उसको फर्दर C4 घुमाया। यहाँ पर एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि C4 ही घुमाना है, कोई भी CN एक्सेस हो सकती है, C2, C3, जिसके दो का कॉम्बिनेशन इस तरह का कि वो पहले के जैसा बन रहा हो। तो बाई चांस ये दो एग्जाम्पल लिए तो इनमें क्या है बच्चों, C4 है, लेकिन ऐसा नहीं सोच लेना है कि C4 ही जाएगी। C4 करोगे तो बच्चों इसको एलिन में बीच में दो बॉन्ड्स होते हैं बच्चों, इस तरह से स्ट्रक्चर है एलिन की। तो इसको पहले एक बार आप इसको समझ रहे होगे बच्चों, ये किस पर प्लेन ऑफ द पेपर आ गया है, कौन सा वाला इंडिकेट कर रहा हूँ बच्चों, ये जो है यहाँ पर आप देख रहे होगे, ये क्या आ गया बच्चों, प्लेन ऑफ द पेपर आ गया है ये, और ये क्या चला गया, बैक साइड, ये अप साइड। तो ये बैक साइड कौन सा वाला है बच्चों, यहाँ पर बुक में देखोगे तो ये बैक साइड है, ये वाला कौन सा है बच्चों,
ये अपसाइड है, इसको क्या किया है बच्चों, 90 डिग्री रोटेट किया है, तो जो इस प्लेन में था ये क्या हो गया बच्चों, इस तरह से खड़ा हो गया ये, तो ये इस प्लेन में चले गए, ये दोनों क्या 90 डिग्री रोटेशन पर क्या चले गए बच्चों, इस तरह से चले गए। अब ये इस तरह से आ गए, पहले कैसे थे बच्चों, ये इस तरह थे, तो इस तरह थे ये, ऐसे 90 डिग्री हो गए, और ये वाले कैसे हो गए ये। तो अगर आप खाली सी फोर जो हमने रोटेट किया है तो ये इसके सिमिलर नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, इसके सिमेट्रिक ऑपरेशन नहीं है ये, बल्कि हम क्या डालें, क्योंकि एक्स इस तरह से रोटेट करें, इसके परपेंडिकुलर प्लेन क्या होगा, इस तरह से होगा, तो इसको प्लेन डालें, तो ये वाली दोनों कहाँ चले जाएंगे बच्चों, इस साइड में आएंगे, और ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, इस साइड में आएंगे। अब ये वाला फर्स्ट वाला और फोर फर्स्ट वाला और ये स्ट्रक्चर जो है बच्चों, फर्स्ट वाली और ये कैसी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, सिमिलर स्ट्रक्चर होगी। आप देख रहे हो अप और डाउन था, यहाँ भी अप और डाउन है, ये क्या था है ना, ये बैक साइड और फ्रंट साइड था, ये अप और डाउन थे, तो यहाँ पर अप और डाउन, दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। तो इसलिए ये क्या है बच्चों, एस फोर इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री थी, मतलब दो के कॉम्बिनेशन से, दो का कॉम्बिनेशन मिलकर सिमेट्री ऑपरेशन बना, ना कि इंडिविजुअल का, ठीक है, ना कि इंडिविजुअल का। चाहो तो आप इसको फर्दर बच्चों इससे भी देख सकते हो, मॉडल से देखो, मॉडल में किस तरह से बच्चों दिखाया गया, ये इस तरह से है बच्चों, और ये इस प्लेन में, दो इस प्लेन में है बच्चों, जब इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो कहाँ चला जाएगा बच्चों, इस तरह से ये इस प्लेन में चले जाएंगे दो, और ये कहाँ चले गए, इस प्लेन में चले गए। अगर हम क्या डालें, प्लेन, क्योंकि इस एक्सेस के अलोंग रोटेट कर रहे थे हम, प्लेन इसके परपेंडिकुलर डालें, तो ये दो कहाँ चले जाएंगे, यहाँ, और ये इधर चले जाएंगे, तो ये पहले वाली जो स्ट्रक्चर थी उसके सिमिलर स्ट्रक्चर हो जाएगी, जो कि बुक में बच्चों दिखाया हुआ है। इसको फिर से एक बार स्पीकर में ध्यान से देखोगे तो बात समझ में आएगी, जो इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है बच्चों, टू का कॉम्बिनेशन होती है, बहुत ईजी है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तभी बात समझ में आएगी। ये दो के कॉम्बिनेशन से सिमेट्री ऑपरेशन बनता है, ये दो के कॉम्बिनेशन से सिमेट्री ऑपरेशन बनता है, पहले तो ये याद करना, फिर आगे हम देखते हैं। दो के कॉम्बिनेशन से सिमेट्री ऑपरेशन बनता है बच्चों, तो इसके आगे थोड़ा सा मैं और चीजों को ऐड करूं, हम यहां पर क्या कह रहे हैं बच्चों, देखो यहां पर हम आगे बोल रहे हैं, यहां पर ये बताया था कि एक का कॉम्बिनेशन इंडिविजुअली जो है बच्चों क्या नहीं था, सिमेट्री ऑपरेशन नहीं था, लेकिन दो ऑपरेशन मूवमेंट किए तो क्या हो गया, सिमेट्री ऑपरेशन हो गया। लेकिन लेकिन अगर बच्चों आगे क्या लिखा हो, देखो देयर आर मैनी मॉलिक्यूल, ऐसे मैनी मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल वेयर सी एन एंड प्लेन परपेंडिकुलर टू एग्जिस्ट सेपरेटली, मतलब उसमें बच्चों सी एन भी, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं सी एन, उसमें सिमेट्रिक ऑपरेशन है, मतलब सी एन करने पर वो जो है बच्चों सिमेट्रिक ऑपरेशन है, मतलब पहले जैसा आ जाता है, जो हमने टू एग्जाम्पल देखे थे, तो दो का कॉम्बिनेशन जो है सिमेट्रिक ऑपरेशन बन रहा था, लेकिन किसी मॉलिक्यूल के अंदर सी एन अपने आप में सिमेट्री ऑपरेशन है, और उसके परपेंडिकुलर प्लेन अपने आप में सिमेट्री ऑपरेशन है, तो ठीक है, एग्जिस्ट सेपरेटली, सेपरेटली अपने आप में सिमेट्री ऑपरेशन, देन एस एन एक्सेस इज प्रेजेंट इन ऑल सच मॉलिक्यूल। अगर ऐसा हो जाता है कि पहले दो ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन भी सिमेट्री ऑपरेशन है, लेकिन पहला जो हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री कर रहे हैं वो भी सिमेट्रिक ऑपरेशन है, और दूसरा जो कर रहे हैं वो भी सिमेट्रिक ऑपरेशन है, ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल में अपने आप में क्या होगी बच्चों, इम्प्रॉपर एक्सेस सिमेट्री तो होगी, क्योंकि दोनों को कंबाइन करोगे वो अपने आप में भी क्या होंगे बच्चों, सिमेट्री ऑपरेशंस होंगे। जैसे कि एग्जांपल हम बी एक्स थ्री का लें या बी एफ थ्री का एग्जांपल लें, तो बच्चों यहाँ पर सी थ्री एक्सेस ऑफ सिमेट्री आप जानते ही हो, और उसके परपेंडिकुलर प्लेन भी जाता है, तो इसका मतलब सी थ्री अपने आप में सिमेट्री ऑपरेशन है, उसके परपेंडिकुलर प्लेन वो भी अपने आप में क्या है बच्चों, सिमेट्री ऑपरेशन, लेकिन दोनों ऑपरेशन कराओगे तब भी क्या आएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे तब भी वो सिमेट्रिक ऑपरेशन आएगा, मतलब पहले वाले स्ट्रक्चर से वो फिर भी मैच करेगा, तो हम उन इस तरह के मॉलिक्यूल्स में तो इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगी होगी, जिनमें इंडिविजुअली दोनों अलग अलग सिमेट्रिक ऑपरेशन हैं, सेपरेटली सिमेट्रिक ऑपरेशन, तो उनका कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, सिमेट्रिक ऑपरेशन ही होगा। क्लियर कट बात है, डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, जैसे कि क्या बी एफ थ्री का एग्जाम्पल यहाँ पर लेके देख लें बच्चों, इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री का नहीं है हमें, तो पहले मैंने सपोज इसको क्या किया, सी थ्री रोटेट किया, क्या किया सी थ्री रोटेट किया, मतलब इस तरह से रोटेट किया, तो जो एफ वन एफ टू एफ थ्री, तो बी और एफ को लेते हुए, तो बच्चों इसका सिमेट्रिक ऑपरेशन, मतलब ये भी सी थ्री नहीं है, ये वाला सी थ्री किया, इस तरह से रोटेट किया, तो एफ वन एफ टू की जगह एफ टू एफ थ्री एफ वन की जगह जाएगा,
तो बच्चों यहाँ पर क्या है, वो बोरोन यहाँ पर आ गया आपका, F3 यहाँ पर आ गया, F1, और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, F2 आ गया। उसके बाद क्या करें बच्चों, प्लेन डालें, ये एक्सेस ऐसे थी, तो प्लेन कैसे डालेगा, इसको कंटेन करता हूँ मॉलिक्यूल को, क्योंकि वही क्या होगा बच्चों, इसके परपेंडिकुलर प्लेन होगा, तो मॉलिक्यूल ऐसे वही बच जाएगा मॉलिक्यूल, तो एफ एफ और एफ। तो यहाँ पर देखोगे बच्चों, तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन हमने डाला है, तो ये इसके इक्विवेलेंट है और ये इसके भी इक्विवेलेंट है इनिशियल स्ट्रक्चर के। तो और जब ये भी इसके इक्विवेलेंट था, पहला जो ऑपरेशन था, पहला ऑपरेशन क्या किया था, C3 हमने किया था। तो जब ये वाला इसके इक्विवेलेंट था और ये इसके इक्विवेलेंट था, इनके कॉम्बिनेशन के पहला और थर्ड की बात करें तब भी इक्विवेलेंट है, कहने को इनका कॉम्बिनेशन भी क्या है, सिमेट्री ऑपरेशन है, पहले के जैसा समरूप आ रहा है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे की, सी एन एंड ए प्लेन परपेंडिकुलर टू इट एग्जिस्ट सेपरेटली, अगर सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इम्प्रॉपर एक्सेस इज प्रेजेंट इन ऑल सच मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल में इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती ही होती है। तो बच्चों हमने यहाँ पर इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री की दो तरह से बात की, एक तो ऐसी बात की अगर सेपरेटली इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल्स में नहीं हो रही है, सेपरेटली अगर बच्चों एक्सेस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री सेपरेटली जो है सिमेट्रिक ऑपरेशन नहीं है, बट उनके कॉम्बिनेशन सिमेट्रिक ऑपरेशन है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स हमने देखे, तब तब तो बच्चों कहेंगे इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें वो दोनों सेपरेटली भी क्या है बच्चों, सिमेट्री ऑपरेशन से हैं, तब तो श्योर है कि मॉलिक्यूल में क्या होगा, इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगी ही होगी। बच्चों दो टू मोर एग्जाम्पल्स से इसको और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसे कि बच्चों यहाँ पर लिया हुआ है इथेन इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन में, इथेन इन इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर कंफ्यूजन कुछ बच्चों हो सकता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बनाया हुआ है बच्चों। तो पहले तो हम इथेन को देख लेते हैं, न्यूमैन और इक्लिप्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आगे। तो बच्चों ये मैंने इथेन बनाया हुआ है, अगर इथेन को बच्चों इस तरह से देखोगे, ये मतलब तो कार्बन के सामने जब कार्बन आता तो ये बॉन्ड दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए हम सर्किल बना देते हैं। इक्लिप्स मतलब ये बॉन्ड जब आमने सामने होते हैं, तो इस कन्फॉर्मेशन को हम इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन कहते हैं। स्टैगर्ड कब बोलते हैं, जब बच्चों ये आमने सामने ना होकर के बल्कि इन दो के मिड में ही आता है, इस तरह की कन्फॉर्मेशन होती है, तो उस कन्फॉर्मेशन को हम इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन बोलते हैं। इस कन्फॉर्मेशन को हम स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन बोलते हैं, जब ये इन दो के मिड में आता है। इक्लिप्स कब बोलते हैं, जब ये बॉन्ड आपस में एक दूसरे के सामने होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम इक्लिप्स की बात कर रहे हैं, पहले एग्जाम्पल में जो बॉन्ड आमने सामने है, तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर बनाया गया बीच में कार्बन आमने सामने हो गए बच्चों, इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है, इसका क्या बनाया गया बच्चों, न्यूमैन बनाया गया है। तो अगर बच्चों इसमें C3 तो है ही, C3 है और C3 इसकी सिमेट्रिक ऑपरेशन भी है, मतलब ये जो मॉलिक्यूल आया, क्योंकि इसमें लेवलिंग एच एच की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, एच तो एच है, तो एच देखोगे जिस तरह बॉन्ड है, तो आपको ऑपरेशन करने के बाद भी जो है समझ में नहीं आएगा कि कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ, मूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ, तो ये इसके इसके इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक ऑपरेशन है। फर्दर हमने प्लेन डाला परपेंडिकुलर, C3 ऐसी थी तो B से प्लेन डाला, तो ये वाले आइटम्स क्या हो गए, आप आ गए 5 4, ये कौन से वाले गए, फ्रंट वाले पे आ गए, और फ्रंट वाले कहाँ चले गए, फ्रंट वाले जो थे H2 H1 H3 बैक वाले में चले गए, बैक वाले कार्बन से अटैच हो गए, लेकिन ये इसके इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर हम बात करें इनके दो का कॉम्बिनेशन, अगर बात करें इनके दो का कॉम्बिनेशन भी क्या है बच्चों, वो भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, ये इसके जैसे ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया, अगर सेपरेटली उसके अंदर C3 और सेपरेटली उसके अंदर परपेंडिकुलर प्लेन जो है बच्चों सिमेट्रिक ऑपरेशन, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी क्या है, सिमेट्रिक ऑपरेशन होगा ही होगा। इसके बच्चों स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन की हम बात करें, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन की बात करें, अगर स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन बच्चों हमने क्या घुमाया, इसको C6 घुमाया, C6 घुमाने का मतलब 60 डिग्री के एंगल पर घुमाया, तो यहाँ पे अगर इस 60 डिग्री घुमाने के बाद बच्चों ये एक्सेस इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, इसको कहने का मतलब 60 डिग्री घुमाओगे तो H4 कहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर पहुँचेगा, H60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया इन्होंने, यहाँ पर गया ये H4, कहाँ गया, यहाँ पर गया ये, तो H6 यहाँ गया, H4 यहाँ गया, H5 यहाँ गया। तो ऐसे ही फ्रंट वाले कार्बन भी किस तरह हाइड्रोजन के सर्गों में H1 कहाँ गया, यहाँ पे गया, H2 कहाँ पे गया बच्चों, ये यहाँ पर गया, 60 डिग्री पूरा मॉलिक्यूल हमने रोटेट किया। लेकिन इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो आप देख के बता दो कुछ ना कुछ मूवमेंट हुआ है,
क्योंकि आपका एच वन यहाँ था लेकिन एच वन इसमें यहाँ पर है, रोटेट किया, तो इसको मतलब ये दोनों सिमेट्रिक ऑपरेशन तो नहीं था सी सिक्स। अब जो सी सिक्स था उसके परपेंडिकुलर प्लेन डाला तो नीचे वाले हाइड्रोजन क्या हो गए, अप आ गए, नीचे एच सिक्स ये नीचे वाले कार्बन से था तो ये कौन से वाले हो गए, आप फ्रंट से कनेक्ट देख रहे हो गए आप यहाँ पर इसको, तो नीचे वाले हाइड्रोजन कहाँ हो गए, अप आ गए, एच फाइव कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, पहले बैक वाले कार्बन था, सर्कल के नीचे लाइन जा रही है, सर्कल के ऊपर लाइन जा रही है, तो नीचे वाले अप हो गए और अप वाले नीचे हो गए। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन के बाद अगर इसको मैच कराओगे इससे तो आप देखोगे हाँ ये एक हाइड्रोजन यहाँ इस तरह से कनेक्टेड था तो यहाँ पर भी इस तरह से ही कनेक्टेड है, कोई इसमें रोटेशन दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब पहला फर्स्ट और थर्ड इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। इसका मतलब सी सिक्स और उसके परपेंडिकुलर प्लेन जो डाला गया है, सी सिक्स और उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन डाला गया है बच्चों, तो वो क्या है, उनका कम्बिनेशन जो है बच्चों क्या है, सिमेट्रिक ऑपरेशन, उसी को हम एस सिक्स कहते हैं। सिक्स का मतलब यहाँ पर जितना एस सी एन डाला जाता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री डाली जाती है, उनका कम्बिनेशन से ये सिमेट्री ऑपरेशन बन रहा है, तो इसको बोलते हैं बच्चों इम्प्रोपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रोपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दो का कॉम्बिनेशन के बाद वो सिमेट्री ऑपरेशन बन रहा है यहाँ पर। बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं बच्चों इसमें। बच्चों इससे पहले जो हमने बात की प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री सी, जैसे कि सी थ्री की बात की थी, तो हमने कहा था इसके अंदर जो तीन डिस्टिनिक्ट ऑपरेशन, तीन डिस्टिनिक्ट सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, सी थ्री वन, सी थ्री टू, सी थ्री थ्री, मतलब थ्री है तो थ्री डिस्टिनिक्ट हमने एलिमेंट की बात की थी। ऐसे ही एस में देखेंगे बच्चों एस सिक्स या एस फाइव, उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक्सेस ऑफ सिमेट्री में पीछे वाली वीडियोस में हमने बात की है, उसी तरह से यहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि थ्री थ्री के बाद जब हम कह रहे थे सी थ्री फोर तो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है इसका, ये किसके इक्विवेलेंट आया, सी थ्री वन के इक्विवेलेंट आ रहा था, तो थ्री डिस्टिनिक्ट ऑपरेशन थे वहाँ पर, डिस्टिनिक्ट एलिमेंट्स थे। इसी तरह से हम जब इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं एस एन, इनको दो अलग कैटेगरी में बांटा गया है बच्चों, एन जब क्या है इविन है, इविन का मतलब क्या हो गया, जब सी एस टू है या फिर एस फोर है या फिर एस सिक्स है, तब द प्रेजेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्सेस नेसेसिटी द अकरेंस ऑफ एन अदर डिस्टिनिक्ट एलिमेंट्स, मतलब एन तरह के अदर डिस्टिनिक्ट एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि बच्चों एग्जांपल एस सिक्स की बात करें हम, तो एस सिक्स में कौन कौन से, एस सिक्स वन, एस सिक्स टू, एस सिक्स थ्री, एस सिक्स फोर, एस सिक्स फाइव, एस सिक्स, ये डिस्टिनिक्ट सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम एस सिक्स सेविन कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर हम बात कैलकुलेट करके देखेंगे अभी, एस सिक्स वन मतलब उसका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, तो इसका मतलब एस सिक्स के अंदर सिक्स डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि बच्चों के आ रहे हैं इस तरह से आ रहे हैं, जैसे कि हमने सी थ्री में एक्सेस ऑफ सिमेट्री में जिस तरह बात की थी। अब बच्चों इनको किस तरह से किया गया, एस सिक्स वन मतलब क्या किया, क्या किया गया होगा, दो का कॉम्बिनेशन है ये, दो मूवमेंट्स का, किसका, पहले एक्सेस ऑफ सिमेट्री फिर उसके परपेंडिकुलर प्लेन, एस सिक्स वन है तो यहाँ पर एस सिक्स सी सिक्स वन और सिग्मा एक प्लेन डालेंगे, तो इसका मीनिंग तो क्या हो गया, एस सिक्स वन ही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एस सिक्स टू का मीनिंग क्या है बच्चों, कि सी सिक्स टू और सिग्मा टू, तो सिग्मा टू तो हम जानते हैं बच्चों दो बार प्लेन डाले तो क्या आइडेंटिटी आता है, तो हमने क्या कर दिया, आइडेंटिटी ऑपरेशन का हो गया। सी सिक्स टू को हम जानते हैं पीछे भी अली वीडियो देख रखे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी थ्री वन लिखा जा सकता है, इसको क्या लिख दिया हमने, सी थ्री वन लिख दिया, और बच्चों आइडेंटिटी तो कुछ मूवमेंट होता ही नहीं, तो इसका मीनिंग क्या आ गया, सी थ्री वन ही आ गया इसका। ये जो एस सिक्स टू होगा तो किसके इक्विवेलेंट हो गया बच्चों, सी थ्री वन के इक्विवेलेंट हो गया इस तरह से। ऐसे एस सिक्स थ्री किसके इक्विवेलेंट होगा बच्चों, क्योंकि दो ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस पर रोटेशन करते हैं और क्या डालते हैं बच्चों, प्लेन डालते हैं, थ्री है तो थ्री थ्री टाइम ही है, थ्री थ्री टाइम। सिग्मा थ्री का मीनिंग अगर बच्चों ओड होता है, पिछली वाली वीडियो में देखें तो उसका मीनिंग क्या आता है, सिग्मा ही आता है, अगर ओड है तो एक प्लेन के बराबर रहता है, तो ये सिग्मा आया। सी सिक्स थ्री
का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, सी सिक्स थ्री, थ्री टू जा, तो इसको हम क्या किसके इक्विवेलेंट रहता है, ये सी टू के इक्विवेलेंट रहता है, पिछली वाली वीडियोज में कर चुके हैं सी टू। और बच्चों सी टू और सिग्मा ये दोनों कॉम्बिनेशन, इसको याद रखो, ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर हम करें तो ये इन्वर्जन के बराबर हो जाता है, क्योंकि सी टू आपने किया तो एक एक्सिस के अराउंड आपने उसको क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, और परपेंडिकुलर उसके प्लेन डाला आपने, तो दो एक्सिस पर उसको क्या कर दिया, प्लेन डाल करके बच्चों, अगर आपने उसको किया रोटेट किया तो दो एक्सिस पे इन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आप इस तरह रोटेशन के जो कोऑर्डिनेट है मैं आप लोगों को बता दूं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, लेकिन आपने क्या किया बच्चों उसका सी टू किया, तो उसमें सी टू अगर जेड एक्सिस के अलोंग किया आपने तो क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर दो चीज़ इन्वर्ट हो जाएंगी कोऑर्डिनेट, माइनस एक्स माइनस वाई और जेड, इस तरह कोऑर्डिनेट इन्वर्ट हो जाएगा सी टू पे। पिछले प्रीवियस वीडियो में हम भाई इसकी बात कर चुके हैं। अगर फर्दर हम प्लेन डालें, प्लेन कैसा, एक्स वाई उसके परपेंडिकुलर एक्स वाई के, तो प्लेन क्या करते हैं बच्चों एक के कोऑर्डिनेट को चेंज कर देते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और इन्वर्जन में हम देख चुके हैं कि सारे के सारे कोऑर्डिनेट चेंज होना ही क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो इस तरह से बच्चों सी टू और एक प्लेन किसके बराबर है, इन्वर्जन के बराबर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो, थोड़ा समझने की फिर से ट्राई करो, इसको प्रीवियस वाली वीडियो देखो तो बात समझ में आ जाएगी। ऐसे बच्चों इनका कॉम्बिनेशन देखोगे, ये इवन हो गया तो ये क्या हो गया, ई के बराबर आ गया सी थ्री टू। तो इस तरह से बच्चों ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन एस सिक्स सेव इन करेंगे तो रिपीटेशन हो गया। तो एस सिक्स में बच्चों इतने सारे कॉम्बिनेशन हैं और उनका मीनिंग ये, लेकिन सेवन पे जा रहे हैं तो क्या रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, तो सिक्स एलिमेंट्स हैं उसके अंदर ये वाले। ऐसे बच्चों एस फोर का, एस फोर भी इवन है, उसके कॉम्बिनेशन जैसे एस फोर फाइव पे अगर हम जा रहे हैं, एस फोर वन अलग डिफरेंट एलिमेंट है, एस फोर टू डिफरेंट है सेपरेट, एस फोर थ्री सेपरेट है, लेकिन एस फोर फाइव जैसे जाएंगे तो रिपीटेशन एस स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, केवल कितने, फोर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स उसके अंदर है। लेकिन बच्चों अगर एस एन ओड हो तब जो रिपीटेशन स्टार्ट होता है उसके डबल के बाद होता है। क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि एस थ्री किया तो एस थ्री के बाद यहाँ तक तो ठीक था पहले की तरह, एस थ्री फोर में रिपीटेशन स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर सी थ्री वन का कॉम्बिनेशन आया, लेकिन जा कर के कहाँ उसके डबल पे जा कर के रिपीटेशन स्टार्ट होता है। तो इसमें बच्चों एस थ्री अगर ओड नंबर है तो उसके डबल के बराबर एलिमेंट्स होते हैं, उसके डबल के बराबर एलिमेंट होते हैं। और ये किस तरह से दो का कॉम्बिनेशन है और किस तरह मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इतना जैसे मैंने बताया उसको आप इसको ट्राई करो समझने की, जो अब तक मैंने अभी बताया। तो जब ओड रहता है, जैसे एस फाइव रहा तो इसके अंदर सेपरेट टेन एलिमेंट्स होंगे, अलेवन वाले पे जाकर रिपीटेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, एक तो ये बात थी यहाँ पर, ये कॉम्बिनेशन आप बना करके देखो इनको कि किस तरह से आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं हम, जैसे सिग्मा टू बोल रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, सिग्मा टू दो बार प्लेन होता है तो आइडेंटिटी के बराबर होता है, सी फाइव टू, सी फाइव टू तो आइडेंटिटी, इसमें तो कोई ऑपरेशन होता नहीं आइडेंटिटी में, तो यहाँ पर खाली निकल कर क्या गया, सी फाइव टू निकल करके आ गया। यहाँ पर थ्री बार प्लेन किया तो एक प्लेन आया और सी फाइव थ्री आया, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ और तो चेंज नहीं हो रहा, तो ये इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री ये हो गई है। एस फोर किया तो बच्चों ये क्या हो गया, आइडेंटिटी हो जाता है, क्योंकि सिग्मा पे जो इवन नंबर रहता है, इवन नंबर प्लेन डालते हैं तो क्या हो जाता है, आइडेंटिटी होता है, किसी की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी, कोई ऑपरेशन होता नहीं उसमें, कुछ मूवमेंट किया नहीं जाता, ये प्रीवियस वीडियो में देखा, तो खाली क्या आ गया, सी फोर फाइव आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे सारा आप इनको ईजिली समझ सकते हो, लेकिन जैसे एस फाइव अलेवन करते हैं तो एस फाइव वन निकल कर आ रहा है, जो क्या है बच्चों रिपीटेशन है पहले का। तो यहाँ पर सिंपल टेन एलिमेंट्स होते हैं अगर यहाँ पर ओड होता है, अगर इवन होता है यहाँ पर तो उसी की तरह हो गया, वो केवल उतने ही एलिमेंट्स रहेंगे, जैसे कि एस फोर था तो फोर एलिमेंट्स थे, एस फोर था तो बच्चों फोर एलिमेंट्स यहाँ पर रहे थे। तो इसको ये थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना है ये सारा बच्चों। और यहाँ पर एक चीज़ और रह गई है बच्चों, इसको मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि S1 बच्चों सिग्मा H के बराबर होता है, आर द सेम, S1 और सिग्मा H आर द सेम। ठीक है, सिग्मा H इज जनरली यूज रेदर देन S1, सिग्मा H जनरली हम लिखते हैं S1 की जगह, लेकिन S1 का मीनिंग सिग्मा H है, किस तरह से आ रहा है उसको हम देखते हैं। S2 एक्सेस जो है किसके इक्विवेलेंट है बच्चों, इन्वर्जन के इक्विवेलेंट, अभी बात भी की थी उसको देख लेते हैं, इन्वर्जन के इक्विवेलेंट आ रहा है S2। S2 का मतलब क्या होगा, C2 फॉलोड बाय उसके परपेंडिकुलर प्लेन, तो ये किसके बराबर आ रहा है बच्चों, कॉम्बिनेशन
आई के बराबर कॉम्बिनेशन ये आ रहा है किस तरह, देखो। तो एस वन पहले देखें, एस वन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, सी वन फॉलोड बाय उसके परपेंडिकुलर प्लेन। तो सी वन का मतलब पहले रोटेट कितना की करना है उसको, 360 रोटेट करना। अगर मान ली कोई आइटम ये है तो इसको रोटेट करोगे तो यहीं पर आएगा, उसके परपेंडिकुलर प्लेन डालोगे तो आप उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखाई देगा। ये दो जो रिफ्लेक्शन है वो किसके इक्विवेलेंट आ रहे हैं बच्चों, ये तो रिफ्लेक्शन प्लेन के बराबर ही आ रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर प्लेन के बराबर ही आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, इसको आपने रोटेट किया तो कहाँ पर आएगा, ये रोटेशन के बाद यहाँ पर ही आ जाएगा। और फिर जो परपेंडिकुलर आपने इसके प्लेन डाला तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर दिखाएगा, यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये प्रीवियस कंडीशन के बाद यहाँ पर मतलब खाली प्लेन वाला ही इफेक्ट इसमें रहा, तो इसलिए हम कह रहे हैं एस वन किसके इक्विवेलेंट है बच्चों, एस वन को हम बोले उसके परपेंडिकुलर प्लेन के इक्विवेलेंट होता है एस वन, ठीक है। एस वन परपेंडिकुलर प्लेन के बराबर होता है। और एस टू क्या बोल रहे हैं बच्चों, ये सी टू इंटू सिग्मा, दो ऑपरेशन करने होते हैं इसमें तो वो आई के इन्वर्जन के बराबर होता है। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, तो सी टू का मतलब कितना है, 180 डिग्री रोटेट किया। सपोज कोई आइटम यहाँ पर है, इस एक्सिस के अलाउंड रोटेट कर रहे हैं हम इसको, तो कहाँ पर पहुँच जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा। इसको यहाँ से जब रोटेट करोगे 180 तो कहाँ पर पहुँची इसकी कंडीशन, यहाँ पर पहुँची। फिर प्लेन डालोगे तो प्लेन डालोगे तो कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर हो गया। तो इन्वर्जन में हम उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अपोजिट ही ले जाते हैं। तो यहाँ पर पहले था, दो ऑपरेशन अगर करेंगे तो यहाँ पर चला गया, मतलब हमने उसको इन्वर्जन किया है। एस टू किसके इक्विवेलेंट आता है बच्चों, इन्वर्जन के इक्विवेलेंट आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, इसको फिर से थोड़ा समझने की ट्राई करो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पर बच्चों मैंने बताया आपको इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री, और इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री बच्चों दो का कम्बिनेशन रहता है। एक तो बच्चों रहता है उसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री रहती है, एक्सेस जो जिसके राउंड रोटेट कर रहे हो, जरूरी नहीं है वो सिमेट्रिक ऑपरेशन है, लेकिन इन दोनों का कम्बिनेशन क्या हो रहा है, वो सिमेट्रिक ऑपरेशन हो रहा है। और ये प्लेन जो डाला जाता है बच्चों, क्या डाला जाता है, परपेंडिकुलर प्लेन डाला जाता है। थैंक यू।